अस्सलाम वालेकुम, सिंपली लाइफ व्लॉग में आपको खुश आमदेद। और आज फिर हम आ गए हैं इस्लामाबाद। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा हाइलाइट्स पे कि हम कहाँ आए हैं, तो हम आए हैं सेंटोरस। तो जनाब ये इसकी ह्यूज बिल्डिंग देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौन सी बिल्डिंग है। तो बड़ी खुशी खुशी आते हैं यहाँ पर, बच्चे भी हों बड़े भी हों, तो ख़ुद बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ यहाँ पर आके इंजॉय करने के लिए। बहुत अच्छी जगह है। और तो जनाब ये इंटरेस्ट है इसकी, यहाँ से हम लोग इंटर होके थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है इसका, तो यहाँ से इंटर करेंगे हम सेंटोरस के अंदर। तो ये इसका कुछ पार्किंग एरिया भी है और साथ में ये वॉकिंग एरिया भी है। तो इससे इसके साथ ही मैं आपसे ये भी शेयर करती चलूँ कि जो भी वीडियोस बनाई जाती है सिंपल लाइफ में, वो बड़ी मेहनत से बनती है। कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी चैनल है, वो सब मेहनत करते हैं, उसके लिए एडिटिंग भी काफ़ी काफ़ी टाइम लग जाता है। और जो लोग जिनका चैनल है उनको अच्छी तरह से पता है कि कितना वक्त लगता है, बड़ी मेहनत लगती है। तो इसको जो है आपसे यही सपोर्ट चाहिए होती है कि आप इसे पूरा देखा करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सा थैंक्स है कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो इंशाल्लाह जितने भी न्यू कमर्स हैं वो बड़ी खुशी खुशी आ जाते हैं कि नहीं इसमें कुछ है, यानी आगे कुछ चांसेस हैं। तो बस इसी मकसद को लेके सारे ही बनाते हैं वीडियोस कि हम थोड़े से जो है ना वायरल हो जाएं, पता चले कोई नया कोई यूट्यूबर है वो कुछ लेकर आया है, कुछ व्लॉगिंग कर रहा है। तो शुरू शुरू में तो सबकी गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, पता भी नहीं होता कैसे एडिटिंग करनी, क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर भी उसको सपोर्ट चाहिए होती है। तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको सपोर्ट करें सिंपली लाइफ को। तो बस इसी के साथ हम जनाब इंटर हुए हैं सेंटोरस में। और ये देख लें जी, मॉडल है इसका सेंटोरस का, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का मॉडल है। और पहले ही सिर्फ 3 बिल्डिंग होती थी और अब चौथी भी है साथ इसके। तो ये देखेंगे आपके सामने कितना खूबसूरत और इतना ऊंचा है ये। अब इस कितनी इसकी बिल्ड वो है, कितने मुझे नहीं पता कि इसकी कितनी बिल्डिंग्स हैं। और तो ये हम आ गए हैं ऊपर और फर्स्ट फ्लोर पे इसके। तो यहाँ पर से अभी आपको व्यू भी दिखा देते हैं। ये देख लें जी नीचे का, जहाँ से अभी हम आए हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये अभी तकरीबन हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया है यहाँ पर आए हुए। तो आधे घंटे में अभी मतलब अभी भी रश है और रात को बहुत देर तक रश रहता है, तकरीबन 12 बजे तक रहता है। तो सबसे पहले जी ब्रेक लगती है आगे ज्वेलरी वाली शॉप पे। तो यहाँ पर जो है ना ये मुझे चोकर इतना अच्छा लग रहा था, ये सारे चोकर्स यहाँ बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं और ये रिंग्स भी हैं और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये जो स्टॉल पे मैंने चीज़ें देखी हैं और जो इनके प्राइसेस मुझे पता चले हैं वो कोई इतने महंगे नहीं हैं कि वो अफोर्ड ना किए जा सकते। कोई ना कोई चीज़ आप परचेस कर सकते हैं यहाँ जब आते हैं। तो ये चोकर जितने भी यहाँ पर लगे हुए हैं 1200 रुपये में आपको मिल जाता है आराम से। तो ठीक है, बाज़ार में ज़्यादा मेरा ख्याल होगा कि 800 रुपये का होगा, तो 800-900 का होगा, लेकिन यहाँ पर भी प्राइस के ठीक हैं, बहुत अच्छे प्राइसेस हैं। ये जितनी भी ज्वेलरी है ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी ही है यहाँ पर, इनके पास जितनी भी ज्वेलरी लगी हुई है सारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। और बड़ा ही खूबसूरत जो है ना इनके पास एक मैंने यहाँ पर नेकलेस भी देखा, ये देख नीचे भी नेकलेस बड़े खूबसूरत लगे हुए थे। खैर इनकी प्राइस ज़्यादा थी तो प्राइस पूछे मैंने, ये 4000 का बता रहे थे। उसके बाद हम आ गए जनाब इस फ्लोर पे जहाँ पर आपको फास्ट फूड हर तरह का मिल जाता है, हर तरह का ब्रांड है यहाँ पर। और फिर उसके बाद जनाब हम टहलते टहलते कुछ शॉपिंग भी करनी थी, और कुछ ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की लेकिन कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग थी। बस ये इनको देखा, ये ब्रांड्स हैं इतने, मतलब देख के वो लग रहा था कि बहुत महंगे हैं। तो ये जनाब चेयर्स हैं यहाँ पर, ये मसाज चेयर है, मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं लेकिन ये मसाज चेयर्स हैं। और यहाँ पर लोग नीचे मसाज भी ले रहे हैं कुछ, ये इनका ये सारी सेल करने के लिए इन्होंने रखी हुई हैं, कुछ जिम आइटम्स भी हैं। तो ये जो स्कफलिंग है यहाँ पर, और आजकल तो ये इतने ज़्यादा चल रहे हैं
हैंडकफ भी हैं, हैंडकफ बहुत ज़्यादा हैं आजकल इन हुए में, और ये बड़े अच्छे बाज़ार में बड़े सस्ते हैं, लेकिन इनके पास ये जो हैंडकफ था ये बहुत महंगा था, और तकरीबन ये 1800 से शुरू होता था, 1500 तक दे देते थे ये। तो ये इनके पास रिंग्स हैं, ये देखिए ना, गोल्डन आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काफ़ी कुछ है, इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी है, और प्राइस बहरहाल इनके हाई थे, इनके इस स्टॉल के प्राइस जो है ना वो हाई थे दूसरे पहले वाले स्टॉल से। तो ये जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना ईयरिंग्स, ये मैंने जो मार्केट से पता किए थे लोकल मार्केट से, तो ये 400 के थे, जो यहाँ पर ये 800 के बता रहे थे मुझे कि आपको कंसेशन कर दे देंगे 100 रुपीज़ की। तो ये क्राउन बड़ा प्यारा सा इनके पास पड़ा हुआ था बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। तो ये देखें, ये बड़ा ही खूबसूरत है, ये छोटे छोटे से बैग्स हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाए जेंट्स, यहाँ रिंग्स हैं, तो इनमें जो है ना वो नग होते हैं जो महंगे होते हैं, या मुझे नहीं पता क्योंकि उनको पता होगा जो ये यूज़ करते हैं या पहनते हैं। बहरहाल यहाँ पर ये बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे, क्योंकि लोग यहाँ से परचेस करके ले जाते हैं सिंगल पीस, और जाके ख़ुद अपने लिए अपनी पसंद से रिंग बनवा लेते हैं। तो ये सारा जो स्टॉल था ये इन्हीं के लिए था। अच्छा जनाब, ये आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रहा है, तो ये जनाब पैसे खाने वाली मशीन है नहीं, मतलब ये मसाज मशीन है, इसमें 100 रुपीज़ डालें आप तो आपको मसाज मिलती है। जी हाँ, ये 100 रुपीज़ लेती है, और तकरीबन 5 मिनट के लिए ये आपको अच्छी तरह से मसाज देती है पूरी बॉडी की। तो ये जनाब मेरा भाई है, और ये तो 5 मिनट के लिए हो गए बुक, और इसने पैसे डाले और जी मसाज इसने करना शुरू कर दी मशीन ने। तो हम इसी को देख रहे थे भाई को अपने, और वो बता रहा था कि जी इस तरह से वो कर रही है, मसाज कर रही है, और नेक की हो रही है, शोल्डर्स की हो रही है। और वैसे ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो शॉपिंग कर करके थक जाते हैं, और ऊपर नीचे घूम घूम के हर फ्लोर पे जाते हैं और घूम फिर के वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, उसके बाद जी अब आ गया टाइम खाने का, तो सबसे पहले हमारी ब्रेक लगी यहाँ मैग्नम के स्टॉल पर। तो यहाँ से सबसे पहले आके जब आप आइसक्रीम को देख लेते, तो मेरा नहीं ख्याल किया किसी का भी दिल करता होगा कि वो कुछ और देखे। तो हमने पहले सोचा कि हमें आइसक्रीम खानी चाहिए, तो ये जी बनने वाली है पहली वाली मेरी आइसक्रीम मैग्नम, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो फ्लेवर डिसाइड करना था कि इस पे जो वो लगाते हैं कुछ भी स्प्रिंकल करवाना हो आपको, कुछ ओरियोज़ थे इसमें, और फ्लैक्स थे, वो कॉर्नफ्लैक्स जो होता है वो थे, और पता नहीं चॉकलेट चिप्स भी चिप थे, और पता नहीं क्या था। बहरहाल ये तीन चीज़ें उन्होंने मिक्स करके तो ये एक मैग्नम जो है ना वो रेडी कर रहे थे, और बड़े मज़े की लग रही थी। क्योंकि जब भी इधर आते हैं तो मैं जो है ना स्पेशली यहाँ पर आइसक्रीम तो ज़रूर खाती हूँ। तो ये इन्होंने फ्लैक्स, ये कॉर्नफ्लैक्स डाले हैं इसमें, और बड़ी स्पीड से ये भाई काम कर रहे थे यहाँ पर। तो ये जी चॉकलेट में पूरा इन्होंने डिप किया आइसक्रीम को, मैग्नम को, और उसके बाद ये ना इसकी ड्रेसिंग करना शुरू कर दी उन्होंने। तो ये जी हो गई है तैयार, ये है मेरी वाली। तो ये देख लें, इसका आपको दिखा देती हूँ करीब से। तो ये देखें, ये बहुत मज़े की लग रही थी, और वाकई में है भी बहुत मज़े की होती है। तो ये तकरीबन थी 350 रुपये की। अच्छा, ये जी सेकंड तैयार होने वाली है, और इसमें जा रहा है ओरियो, और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये जी सेकंड वाली भी तैयार होगी, अभी दिखाते हैं। चॉकलेट का जो है ना बॉक्स इन्होंने रखा हुआ है, लिक्विड चॉकलेट है इसमें मेल्टेड, और इसमें डिप करते हैं, और उसके बाद ये इसको सारा रेडी करके और कस्टमर को देते हैं। तो बहुत मज़े की चीज़ है ये, आए यहाँ पर और आके इसको ज़रूर इंजॉय करें, अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर्स लगवाएं इस पर जो भी आपको पसंद हो। तो साथ ही जी आपको पता है यहाँ पर सिनेपैक्स भी है, और यहाँ पर मूवीज़ भी लगी हुई हैं। तो ये कुछ उनके एड्स थे। फिर उसके बाद हमने जनाब दही भले मंगवा लिए, कोल्ड ड्रिंक्स थी, और अगर दही भले हैं कोल्ड ड्रिंक्स हैं तो उसके साथ फिर
कुछ और भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी था वहाँ अपनी अपनी मर्ज़ी का चीज़ खाना चाह रहा था। तो मैंने भी ओपीटीपी पे ही आके जो है ना वो कहा कि नहीं जी मैंने ये खाना है, तो मैंने अपने लिए ये गार्लिक मायो के साथ ये मंगवा लिया, ये खाया। और इसके बाद फिर हम दोबारा से चल पड़े हैं जी अब वापसी के लिए, क्योंकि घर जाना है। और यहाँ तकरीबन हमें जो है ना 11:45 हो गए थे, रात के 11:45 बज गए थे यहाँ पर ही। और ये लास्ट जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज का व्लॉग आपको यकीनन पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सिंपली लाइफ के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।